Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next exercise, which is exercise 6.2. And in this lecture I am going to discuss all questions and examples related to your Punjab textbook. और पंजाब बोर्ड का आज हम डिस्कस करेंगे 6.2 का स्मार्ट सिलेबस जो है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें दी क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं। स्मार्ट सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, पेज 260 पे एग्जांपल नंबर 6 है, 262 पे एग्जांपल नंबर 8 है, 263 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। Then okay, question number 6, 7 second part, 8 third part and 9 question। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं along with एग्जाम्पल जो है वो मैं एंड में करवाऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी एज यूजल। 6.1 में मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड डेफिनेशंस और इक्वेशंस बता दी थी। अब जो एक दो और डेफिनेशंस हैं वो हम अभी लेके चल रहे हैं, जो कि 6.2 में एडिशन उसने की है 6.1 की डेफिनेशन के साथ। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? अ टेंजेंट टू अ कर्व इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व विदाउट कटिंग थ्रू इट। ये एक ऐसी लाइन है जो कर्व पे टच कर रही है बट कर्व को कट नहीं कर रही। देखें ये कर्व है, ये एक लाइन है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पे इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, नॉट कट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक पॉइंट P है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ओके, कोई प्रॉब्लम? और द टेंजेंट लाइन और सिंपली यू कैन से टेंजेंट टू अ प्लेन कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व एट दैट पॉइंट। कि एक पॉइंट पे अगर वो टच कर रही है तो इसको टेंजेंट लाइन या सिंपली टेंजेंट भी बोला जाता है। ओके है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेंजेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द सर्कल never entering the circle's interior at a single point. The point where the tangent touches the circle is known as the tangency, point of tangency or point of contact. तो जब सर्कल का है तो सेम वो सर्कल के किसी पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को कट कर रही है और ये आपके पास पॉइंट P है, इसको वो क्या बोल रहा है, टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोल रहा है। ये लिखने का मकसद ये है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए या लेक्चर में कोई टीचर ये लैंग्वेज यूज़ करे तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो ये वही चीज़ है बट दिस टाइम कर्व की बजाय मैंने सर्कल का एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल टू अ सर्कल। देखें एक टेंजेंट पड़ा है और ये नॉर्मल है। अब जरा फोकस कीजिएगा। द नॉर्मल टू अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री टू द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल। देखें मैं आपको, ये सर्कल है, पहले तो मैं टेंजेंट लाइन बना रहा हूँ और जो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट है। अब नॉर्मल क्या चीज़ है, बड़ा सिंपल सा है कि इसके परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे अगर कोई लाइन आ रही है टेंजेंट के 90 के एंगल पे, इस लाइन को वो क्या नाम दे रहा है, नॉर्मल टू अ सर्कल। यानी कि टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा। सिंपल सी बात है, आपको शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये समझाता जा रहा हूँ। तो दो ही चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहा है, नॉर्मल और टेंजेंट, ठीक है। तो इनकी मैंने डेफिनेशन आपको कर दी अलॉन्ग विद डायग्राम। होपफुली अब आपके लिए ये इजी होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पेज नंबर 257 पे ये प्रूफ भी अगर देखना चाहें, बड़ा सिंपल सा है, तो आपने डायरेक्टली ये इक्वेशन भी याद कर लेनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू x(1) y(1) प्लस g into x प्लस x1 प्लस f into y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। Similarly, we have equation of normal at point P, which is equal to y minus y1, x1 plus dx minus x1 into y1 plus f. तो ये इक्वेशन भी याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हम इनको कहीं पे यूज करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। नेक्स्ट देखते हैं, ओके जी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंशियल डिस्टेंस क्या होता है, पेज नंबर 261 पे ये आपको थ्योरम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 262 पे इसका प्रूफ एंड कर दिया उसने। ये है क्या, सिंपल सा इसका फार्मूला आपने याद करना है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी टी की बात कर रहा है और वो क्या है, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये पी टी क्या है, ये देखें, ये कर्व है और एक पॉइंट पी से एक लाइन जो है टेंजेंट है और टेंजेंट किस पॉइंट पे है, टी पे ये टच कर रही है। सिंगल पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, टी है। तो एक्चुअली वो लेंथ कह रहा है पी और टी की, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप ये याद कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ पी या टेंजेंशियल डिस्टेंस आपके पास क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये 2 से 3 फार्मूलाज थे जो आपने याद रखने हैं, जो कि हम एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं। देखें जी यहाँ तक ओके, चलें आगे। ओके, ओके बेटा, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट में भी एक्चुअली 2 आगे पार्ट हैं। 2 पॉइंट पे वो कह रहा है कि आपने चेक क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। तो इसके 2 पॉइंट है, तो पहले मैंने इसलिए ए और बी का नाम दे दिया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसकी, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट 4 and 3। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। याद है सेकेंड चैप्टर 2.3 मैंने बड़ी तफसीली करवाई थी, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो काइंडली पहले 2.3 देख लीजिएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार रूल बेटा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटर अप्लाई किया है, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो बेटा फर्स्ट के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकेंड के साथ, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा रूल लगेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए जी। 2.3 को जरा याद करो, मैंने इसलिए बड़ा तफसीली वहाँ पे तीनों रूल आपको, पार रूल, प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल करवाए थे। बिल्कुल पार रूल लगेगा। तो क्या होता था, पार को नीचे उतारते हैं, पार में से एक माइनस करते हैं और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेते हैं और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये 1 होता है। तो देखें पावर इसमें 2 थी, पार को नीचे उतारा, इस पार में से एक माइनस किया है और जो भी बेस फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है। मैं फिर कह रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो 2.3 एक्सरसाइज मेरी ज़रूर देखें सेकंड ईयर की, इंशाल्लाह ये पावर रूल, प्रोडक्ट और क्वोशेंट उनके लिए ईजी हो जाएगा। इसी तरह इसमें पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे और बेस वाई थी और वाई का डेरिवेटिव ये आ गया, इज इक्वल टू 0। देखें जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मजीद देखते हैं कि x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, तो ये सिंपल 2x आ जाएगा, ये 2y dy by dx आ जाएगा और 2 कॉमन निकाल लें, उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 वो एंड हो जाएगा। हमें एक्चुअली dy by dx चाहिए था, तो पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो रहा है। तो एक्चुअली मैंने अभी तक क्या किया है, इसका डेरिवेटिव निकाला है। और आपको अगर याद हो 4 चैप्टर में हमने क्या कहा था, ये डेरिवेटिव को हम स्लोप भी तो बोलते थे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, एक्चुअली हमने ये अभी स्लोप जो निकाली है, ये ग्रेडियंट जो निकाला है, ये आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकाला है। ठीक है, यूज किसको किया है, सर्कल की इक्वेशन को। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आगे लेके चल रहा हूँ, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का डेरिवेटिव है, टेंजेंट का डेरिवेटिव है और वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी अभी निकाल लेते हैं। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने अभी क्या निकाली है, -x/y। अब यहाँ पे उसने पॉइंट फिक्स कर दिया था कि स्लोप आपने, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकालनी है 4 and 3। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है ये पॉइंट इधर पुट कर देना और इसको हम लिखते हैं ये स्लैश करके 403 मीन पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड योर स्लोप और स्लोप ऑफ टेंजेंट या dy by dx। अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं तो x और y की सिर्फ वैल्यू रखी और कोई काम नहीं किया। तो एक्चुअली स्लोप हमने कैसे निकाली थी, डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद पॉइंट पुट कर दिया है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट आ जाएगा जो स्पेसिफिक 403 की बात कर रहा था। ओके जी, एक्चुअली हमें अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और याद है आपके पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं। और फोर्थ चैप्टर अगेन रिमाइंड कीजिएगा, मेरे फोर्थ चैप्टर के लेक्चर भी अवेलेबल हैं, जिनको फोर्थ चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट समझने हो काइंडली वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं। अब बेटा वहां पे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद है किसी दोस्त को? बिल्कुल, वो था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन मीन जस्ट रिप्लेसेज एक्स वन एंड वाई वन बाई 4 and 3 एंड योर स्लोप इज नेगेटिव 4/3 मीन m की वैल्यू आ जाएगी -4/3, y इसमें 3 है, x इसमें 4 है। और जस्ट अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3y माइनस 9 माइनस 4x प्लस 16 और एक साइड पे ले जाएंगे तो -4x प्लस 3y 16 और 9 नेगेटिव में 25 आ रहा है। सो योर लास्ट आंसर इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, या हम ऊपर वाला स्टेप भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर के लिए। तो ये आ गई बचे स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4 and 3। दो चीज़ें उसने गई थी, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का है और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे ये बताएं, टेंजेंट की स्लोप तो दी हुई है -4/3, हमें अब नॉर्मल की स्लोप चाहिए तो कैसे निकालेंगे। अब जरा डेफिनेशन याद करो, नॉर्मल क्या चीज़ थी। एक्चुअली नॉर्मल क्या थी कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, मीन अगर आपको याद हो तो आपके पास ये आ जाएगा -1/m1। कैसे, आपको याद है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अगर एक की स्लोप है तो नेगेटिव करके दूसरे का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो दूसरे की स्लोप आ जाती है। तो एक्चुअली हमारे पास टेंजेंट की स्लोप थी, जब हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन नॉर्मल लिया है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा आपके पास 3/4। याद आ रहा है फोर्थ चैप्टर? चलें जी, स्लोप आ गई। अच्छा पॉइंट तो वही है, पॉइंट में तो चेंजिंग नहीं है, पॉइंट वो 4 और 3 की ही बात कर रहा है। अब सिंपल आपने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेनी है एट पॉइंट 4, 3 अगेंस्ट यूजिंग सेम फार्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यू हैव योर y1 4 3 x1 4 एंड दिस टाइम स्लोप बिकम्स 3/4। पहले -4/3 थी, नॉर्मल में सिर्फ स्लोप चेंज हुई है, बाकी काम वही है। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4y माइनस 12, 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x माइनस 12 और यू कैन से दैट बाय आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी हैव 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 व्हिच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम जी? तो ये था बच्चे आपका फर्स्ट। मैंने इसके 2 पार्ट कर दिया था क्योंकि 2 पॉइंट पे उसने कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल निकालो, तो मैंने ए पार्ट का दे दिया पॉइंट 4, 3। अब सेम काम करेंगे हम, दूसरा जो पॉइंट उसने दिया है और वो पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ इसने। ओके अब इक्वेशन वही है, बाकी सारा काम वही है, बस अब पॉइंट चेंज हो गया है। वो 4 और 3 की जगह पॉइंट उसने कर दिया है 5 cos theta and 5 sin theta। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वो ये वही काम है जो फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में किया था। मीन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, सेपरेट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जस्ट अप्लाइंग पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें एंड देन जस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस व्हिच इज एक्स। सिमिलरली बाय अप्लाइंग पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव ले लें और सिंप्लीफाई कर लें। सो x का डेरिवेटिव 1 है, 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो जाके खत्म हो जाएगा, तो dy/dx हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है -x/y। देखें ये बात समझ आ रही है? ओके चलें। अब जब स्लोप आ चुकी है तो अब आपने एक्चुअली ये स्लोप किस चीज़ की आई है, टेंजेंट की या नॉर्मल की, जी बताइएगा। शाबाश, ये टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम स्पेसिफिक पॉइंट जो उसने मेंशन किया है अब हमने वो निकालना है, और वो पॉइंट कौन सा था जी, 5 cos थीटा 5 sin थीटा। मीन एक्स की जगह आप क्या रखेंगे बताइएगा जी, एक्स की जगह पे आप बिल्कुल 5 cos थीटा रखेंगे और वाई की जगह पे आ जाएगा 5 sin थीटा। देखो पहला एक्स होता है ना, दूसरा वाई, तो जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था, सो ये आ जाएगा -5 cos थीटा और 5 sin थीटा। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो -cos/sin ये आ जाएगा। ये आ गई स्लोप। पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी, मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बिल्कुल सेम फार्मूला, y - y1 = m × x - x1। सो यू हैव योर y1 5 sin थीटा, यू हैव योर स्लोप -cos थीटा over sin थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, यस 5 cos थीटा। So just cross multiplying sin theta multiplied by y minus 5 sin theta and then cos theta negative x minus 5 cos theta. And more simplifying, we have y sin theta को अंदर multiply कर लें 5 sin square theta, then x cos theta and 5 cos square theta. नेगेटिव वाला x इस तरफ ले जाएं और ये sin को इस तरफ ले आएं और 5 कॉमन निकाल लिया राइट साइड पे। क्यों निकाला है बताएंगे, इसका क्या फायदा हुआ। आपके पास ब्रैकेट में कुछ जानी पहचानी सी चीज नजर आ रही है। फॉर्मूला क्या होता था, बड़ा सिंपल सा है, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। सो जस्ट रिप्लेस दिस sin² थीटा cos² थीटा = 1 एंड 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। तो ये है दी आपकी लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा, व्हिच इज इक्वल टू x cos theta plus y sin theta minus 5 is equal to 0। तो ये बचे क्या आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, शाबाश, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप क्या होगी, एक्चुअली टेंजेंट है और जब नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं तो जस्ट आप क्या करते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं नेगेटिव रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन -1 करके जो भी स्लोप आई थी फार्मूला सेंस करके लिख लें कि m1 = -1/m2। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज एंड देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा तो sin थीटा ओवर cos थीटा। सो बच्चे स्लोप आपके पास क्या आ गई, sin थीटा ओवर cos थीटा। ऐसे ही है, जब ये स्लोप आ गई है और आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, सेम यूज बाय यूजिंग सेम फार्मूला व्हिच इज y - y1 × x - x1। यहाँ पे अगर लिख लेते हैं ये फार्मूला और बेहतर हो जाएगा। दिस इज योर y1 5 sin थीटा और x1 5 cos थीटा। सेम पैटर्न पे जिसना भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और अगेन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, वहाँ पे स्क्वायर था वो 1 बन गया, बट यहाँ पे एक और मजे की चीज बन रही है कि ये सेम आपके पास 5 cos थीटा sin थीटा प्लस में भी आ रहा है और नेगेटिव में भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो ये लास्ट आंसर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू एक 0 मिस है, वो भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो सिंपल काम था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। यहाँ पे बेटा एक स्टेप और कर लेते हैं क्योंकि एक साइड पे लेके गए ना, तो इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी साथ। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्चुअली फर्स्ट पार्ट ही है लेकिन इसको हमने 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया था कि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, एक 4 3 एंड देन 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। तो ये हो गया जी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट उसने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, पार्ट 1 भी है और पार्ट 2 भी है। पार्ट 1 में भी एक्चुअली हमने सब डिवाइड कर दिया था उसको 2 पार्ट्स में, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट अभी है। अब हम करते हैं, ये तो भी वही चल रहा है, छोटी सी करेक्शन थी कैंडी, उसको देख लीजिएगा। वो इक्वल टू 0 लिखा है, अगेन वो राइट साइड पे चला गया, चले गया कोई बात नहीं, और ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है बेटा, वो देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की तरफ। बेटा सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे इक्वेशन चेंज की है, दिस टाइम अगेन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन अब चेंज कर दिया, पॉइंट उसने चेंज कर दिया, दिस टाइम एक ही पॉइंट है, सो एक ही दफ़ा हम इसको करेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं बेटा इसको लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे सबसे पहले बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे ही है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, वी हैव फिर पहले ऑन द होल लिख लिया, फिर मैं सेपरेट करके ऑपरेटर लिख रहा हूँ। 3 into derivative of x square, 3 into derivative of y square, 5 derivative of x minus derivative of y and constant का derivative। अब रूल फिर सेम, पार रूल लगेगा, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो 1 होता है। अब बेटा पार रूल अप्लाई करें, यहाँ पे पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। मैं फिर कहूँगा इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो 2.3 वाली मेरा लेक्चर जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको डेरिवेटिव की बेस आ जाएगी। इसी तरह पार रूल अगेन वाई स्क्वायर पे लगाया, पार को नीचे उतारा, पार में से माइनस किया एंड देन बेस का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बेटा बस सिंप्लीफाई कर लें, 3 2s 6x, 3 2s 6y। यहाँ पे अपने उन स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया करना चाहूँगा जो साथ साथ करेक्शन भी करवाते रहते हैं, जारी बात है मैं उनको जब पिक्चर भेजता हूँ, स्पेशली फरहान साहब है उन्होंने करेक्शन करवाई थी, तो ये उन्होंने 3 मेरा मिस था तो उन्होंने बताया था, तो सर थैंक यू फरहान साहब। अच्छा जी, तो ये 6x से 3 into 2 6x आ रहा है, 3 into 2 6y आ रहा है। अब बेटा y वाले एक जगह कर लेंगे, x वाले एक जगह कर लें, मीन वाई dy/dx वाले कॉमन निकालनी है, तो 6y - 13 एंड 6x + y, सो dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा -6x + y, 6y - 13। एक्चुअली ये आ गई स्लोप, और ये स्लोप किसकी है, किसकी मतलब क्या ये टेंजेंट की है या नॉर्मल की है, शाबाश, तो ये टेंजेंट की स्लोप दी हुई है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ चुकी है। अब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट निकालनी है, तो देखते हैं जी पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ था, याद है ये स्लोप आ गई और पॉइंट दिया हुआ बेटा 1 and 10/3। सो जस्ट आपने क्या करना है, x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देना है और y की जगह पे बच्चे आपने क्या करना है 3 रिप्लेस कर दे, 10/3 रिप्लेस कर देना है। सो m1 आ जाएगा -6 into 1 -5, 6 into 10/3 -13, 3 2s 6। जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, यू हैव योर स्लोप व्हिच इज इक्वल टू -11/7। देखें यहाँ था कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, ये आ गई स्लोप, पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, शाबाश, यस, y - y1 = m into x - x1। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड m। बेटा ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिएगा, अगर आप देखें तो y - 10/3 का एलसीएम आ जाएगा, ये आ रहा है 7y और 10, एक्चुअली वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर क्या कर रहा है -11 को, भी एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पे 7 को डायरेक्ट उसने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स वाले एक जगह कर लेते हैं, वाई वाले एक साइड पर, कांस्टेंट एक साइड पे, ये -70/3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो एलसीएम ले रहा है और एलसीएम लेंगे तो ये आप देखेंगे 103/3 आ रहा है और यू कैन से दैट 3 कॉमन, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 33x 20y आ जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं 33x + 21y - 103 = 0, विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखें कोई कन्फ्यूजन, श्योर है। अब क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या करेंगे, स्लोप क्या होगी इसकी, शाबाश, बिल्कुल नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, किसका, m1 का, मीन m1 = -1/m2 और m2 = -1/m1। ठीक है, ये रिप्लेस कर सकते हैं, ये जनरल फार्मूला लिखा है, यहाँ से परेशान ना होइएगा कि सर हमने m2 किसके इक्वल आ जाएगा -1/m1, तो ये जनरल लिखा हुआ है, तो भैया परेशान ना होना किधर m2 है। मीन हमने करना क्या होता है, जस्ट टेकिंग नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 7/11, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उलट जाता है। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस बाय यूजिंग सेम फार्मूला y - y1 m into x - x1। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ x1 y1, 11 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो वी हैव अब आप एलसीएम भी ले रहा है जी, 3 एलसीएम है, आप 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट आंसर इज 21x माइनस 33y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। तो ये थी बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आपने निकालनी थी। ओके आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इससे मिलता जुलता है, जब अभी हम काम कर रहे थे बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बट डिफरेंस क्या है ये अभी आपने देखना है, बल्कि बताना भी, खाली देखना नहीं है। क्वेश्चन 2 आपके सामने है। राइट डाउन अगेन यू हैव टू राइट द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन सर्कल। ये दी है जी, ये टी जगह दी है, इसको सेट कर दे टू द, अच्छा खैर इसको मैं सेट कर देता हूँ। 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 25 दिस। क्या फ़र्क है इस क्वेश्चन और पिछले जो 2-3 पार्ट किए हैं उसमें? इक्वेशन वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है, शाबाश। वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्सीसा दिया हुआ है। और ऑब्सीसा क्या होता था याद है, ये x की वैल्यू होती थी। तो बेटा ऑब्सीसा इसमें दिया हुआ है -4। मीन हम यहाँ पे पहले पॉइंट निकाल लेते हैं और अगर पॉइंट निकल आएगा तो ये पिछले पार्ट नहीं बन जाएगा जिसना क्वेश्चन किए हैं, ऐसा ही है ना। सो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। देखें गिवन इक्वेशन आपके पास ये है और आपने पुट कर देना ऑब्सीसा इज इक्वल टू -4। मीन पुट एक्स इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा जहां जहां पे एक्स है वहां पे आप -4 पुट कर दें, ठीक है जी। तो जैसे -4 पुट किया है, 16 4s 64 एंड 16 4s 64। मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें, ये आ रहा है। मिड टर्म ब्रेक कीजिएगा, 24y 11 4s 44 एंड आपके पास ये 22 एंड 2 का पेयर बन रहा है और ये आपके पास आ जाएगा 2y। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाला है, लास्ट 2 में से 1 कॉमन निकाला है। सो ये लास्ट आंसर आइदर करके हम लिखते होते थे याद है। सो दो आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं, एक -11/2 और एक क्या आ गया -1/2। इसका मतलब क्या हुआ है, x तो सब में सेम था, तो अब ये क्या आ जाएगा -4 एंड -11/2 एक पॉइंट हो जाएगा और एक आ जाएगा -4 एंड -1/2 जो है ये इसका क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैंने यही कहा है कि जी हमने वो पॉइंट निकाला है, ये जरा स्पेलिंग ठीक कर दूं, टू द सर्कल। क्या किया है हमने, सबसे पहले वो पॉइंट निकाला है कौन से, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक थी तो 2 पॉइंट निकल आए, ठीक है। तो 2 पॉइंट के लिए हमने ये चीज की है, 2 पॉइंट आपके सामने। ठीक है जी, चलते हैं आगे। एक छोटी सी करेक्शन थी, स्टेटमेंट में लिखते हुए गलती हो गई थी। अच्छा जी, तो यहां तक आप देख लें जी हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू पुट करके 2 पॉइंट निकाली। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बन गया। वहां पे भी यही था ना कि एक इक्वेशन दी थी, 2 पॉइंट थे और दोनों के लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी थी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी बेटा सेम काम आ रहा है। मैं पहले क्या कह रहा हूँ, पहले तो स्लोप निकालता हूँ, फिर दोनों पॉइंट्स को 1/1 करके देख लेते हैं। सो स्लोप इसकी बेटा क्या आ जाएगी, इक्वेशन आपके पास दी हुई है 4x² प्लस 4y² माइनस 16x प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। और स्लोप कैसे निकालेंगे, Yes, just differentiating with respect to x on both side, हर एक के साथ ऑपरेटर अप्लाई कर दें। देन रूल कौन सा शुरू यूज हो रहा है, yes, पार रूल अप्लाई हो रहा है। पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव और फिर x का डेरिवेटिव 1 है, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx होता है एंड देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर और देखें जी, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 8y dy/dx माइनस 16 प्लस 24 dy/dx इज इक्वल टू 0। अगेन हाँ, कॉमन सब में से 8 निकाल लें, उस तरफ चूंकि 0 वो खत्म हो जाएगा। तो 8 सब में से कॉमन निकाला है, अब dy/dx एक जगह कॉमन निकाल रहे हैं और बाकी जो है वो दूसरी साइड पे ले गए। सो योर लास्ट आंसर इज -2 - x/y + 3। तो सबसे पहला हमारा काम था जस्ट टू फाइंड स्लोप, मीन आपने डेरिवेटिव निकाला है तो इसकी स्लोप आ चुकी है। और किसकी, टेंजेंट की या नॉर्मल की, यस टेंजेंट की। और अब आप 2 पॉइंट हैं तो 1/1 करके हम इनकी इक्वेशन निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी मैं आपको रिमाइंडर के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ गई है जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या आएगी, आपने जस्ट रिप्लेस कर देना है एक्स की जगह पे दिस टाइम -4 एंड वाई की जगह पे आपने पुट कर देना है -11/2। तो देखेंगे स्लोप थी एक्स की जगह पे -4 आ गया और वाई जगह -11/2। एलसीएम बेटा ले लीजिएगा नीचे और फिर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उलट जाता है। सो योर स्लोप ऑफ tangent is at point -4 - 11/2 is -12/5। स्लोप आ गई जी, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है तो आपने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल की भी वो साथ ही निकाल रहा है और क्या था कि अगर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो नॉर्मल की आपके पास स्लोप आ जाएगी और ये क्या आ रही है एक्चुअली 5/12। ये एक्चुअली हमने आगे यूज करनी है तो पिछले पार्ट में अलग-अलग कर रहा था, इसमें साथ ही कर दिया। अच्छा जी, तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और पॉइंट आपके पास दिया हुआ -4 एंड -11/2। स्लोप अभी आपने क्या निकाली है -12/5। सो बाय यूजिंग फार्मूला y - y1 इज इक्वल टू m into x minus x1। ओके जी, तो अब इसमें क्या है कि आपने x1 और y1 की वैल्यू रख देनी है। y1 आपके पास -11/2 है, x1 -4 है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा एलसीएम ले ले तो ये 2y + 11 है, ये आपके पास अगेन -12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ चुकी है। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिएगा। ओके जी, चले आगे। अब क्या रह गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और किस पे, अभी पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की हमने स्लोप ऑलरेडी निकाल ली हुई है तो हमारा देखें, हम पहले p1 की बात करेंगे, इस तरह समझाने याद आने के लिए लिखा हुआ, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आप इक्वेशन निकालते हैं y - y1 m into x minus x1। You have your y1 is equal to -11/2. You have your x1 is equal to -4, and this time slope of normal is 12/5. So again, by taking LCM left hand side as well as just to multiply the number with x plus 4. कोई problem जी? यहाँ पे ये 5/12 लिखा गया है, इसको जरा अभी चेक कर लेते हैं। ये हम slope of normal निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी correction आ रही है जी, चेक करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या निकाली थी, वहां से जरा देख लेते हैं। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आई थी वो 5/12 है, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे अगले पॉइंट में तो ये 5/12 है। ये लिखते हुए मिस्टेक हुई है एक्चुअली, जब वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह की मिस्टेक आ जाती हैं। तो यहाँ पे अभी वेट कीजिएगा, सेव कर रहा है। ये 12/5 नहीं, एक्चुअली ये 5/12 है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी हैवी स्लाइड्स हैं, थोड़ा सा टाइम साथ साथ लेंगी। सो बी पेशेंट, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह साथ साथ आपको ये करवाता जाऊँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज की आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है अलॉन्ग विद, चूँकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स भी हैं, फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी लेक्चर्स वो करने होते हैं, देन सेकेंड ईयर के भी। तो मैं अलहमदिल्ला कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों साइड पर आपको ले कर चल सकूँ। तो ऐसा ऐसा आप देखें, हर दूसरे तीसरे दिन आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल रही है। और ऑब्वियस बात है, जब लेक्चर बेटा करना होता है तो एडिटिंग ये वो बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो जैसा अभी देखें ना, अभी ये जस्ट सिंपल एक सेव हो रहा है और इतना टाइम ले रहा है। तो जितनी हैवी स्लाइड्स होती जाती हैं, जितनी ज़्यादा एनिमेशन हम यूज़ करते जाते हैं, काम उतना क्या है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। सो बी पेशेंट और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ने सेहत रखी तो मैं आपके ये फाइनल ईयर से पहले पेपर में ये एक्सरसाइजेस करता जाऊंगा, और ताकि बेटा आप तैयारी साथ साथ अपनी रखें। जो आपके टीचर्स ने करवाया है वो बड़ा ज़बरदस्त करवा रहे हैं। बस ये मेरा होता है एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए कुछ लेक्चर मैं ऐड करता रहता हूँ, सो उनको ज़रूर फॉलो करें, पास्ट ईयर पेपर ज़रूर देखें ताकि बेटा आपके लिए आसानी रहे। तो ये जी एक छोटी सी करेक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने हमें इजाज़त दे दी है। सो ये आ रहा है 5/12, ठीक है। एक छोटी सी करेक्शन थी, मैंने कहा यहीं पे पकड़ लें उसको। फिर भी बेटा अगर कोई मिस्टेक रह जाए तो उसके लिए माजरत। मैं बता रहा हूँ बहुत स्पीड में लेक्चर बन रहे हैं, स्टूडेंट्स बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर भी अगर कुछ कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए माजरत। चले जी, नोट कर रहा है तो ये आप क्या निकाल रहे थे एक्चुअली, स्लोप निकाल रहे थे किसकी, सॉरी इक्वेशन निकाल रहे थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये 5/12 है जी। अब आप ठीक है जी एलसीएम ले लें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और फिर आपके पास आ जाएगा। एक और मिस्टेक मुझे नज़र आ गई है और अगेन मुझे सही करने दें, सॉरी इसके लिए, कोई बात नहीं, टेक टाइम, बट जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है मैं उसको, ये 12 है, 5/12 ठीक है ना। 12 को जब इसके साथ करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो चलिए ये अब इसने जल्दी ज़्यादा दे दी है करने की। तो अब इसमें क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद एक साइड पे ले आएंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी ठीक है। तो जस्ट ये होगी जी क्वेश्चन होगी ये। अब ये 12 into this 2 into this आपके पास आ जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, उधर जाके बेटा डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। तो 5x - 12y - 46 विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बट अभी हमने P1 पे ये दोनों इक्वेशन निकाली, अब P2 पे भी हम कर लेते हैं, मैंने 2 नाम रख दिए थे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नाउ -4 and -1/2 स्लोप हमने निकाली हुई थी, याद है किसी को? वो क्या थी आपके पास, 2 - x and y + 3। अब सिर्फ डिफरेंस क्या है वहाँ पे, देखें x तो -4 ही था, y वहाँ पे हमने -11/2 किया था, यहाँ पे y जो है -1/2 रिप्लेस कर रही हैं। सो बेटा एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स 12/5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गई। अब आप क्या करें, इक्वेशंस की तरफ हमने जाना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुकी है, मैं अगर दोबारा लिख लूँ आपके लिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल की भी साथ ही लगा देते हैं, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ जाएगी। तो साथ ही ये भी निकाल ली है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए क्या होगा, y - y1 m into x - x1। This time you have your y1 is -1/2, slope is 12/5 and x1 is equal to -4। एलसीएम बेटा ले लीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास ये आ रहा है 24x - 10y + 91 = 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट वी हैव स्लोप, वी हैव अ पॉइंट, देन जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ y1 x1 एंड स्लोप व्हिच इज -5/12 again by taking LCM on left hand side and multiply -5 on right hand side by cross multiplying and simplifying this, you have your answer which is equal to 10x + 24y = 52। अच्छा 2 कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल 2 उधर जाके बेटा 0 खत्म हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर फॉर द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, नॉट इक्वेशंस, ये इक्वेशन है बट इसको भी करेक्शन कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आ रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास ये आ रहा है। करेक्शन काइंडली आप कर लीजिएगा, टाइम ज़रा शॉर्ट है, मैं इसको करता जा रहा हूँ ठीक है। एक ही कोई है ना, हाँ अगर इकट्ठी हो तो हम उसको फिर लिख सकते हैं जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, बल्कि पीछे भी चेक कर लीजिएगा, एस है तो इसको लिमिटेड, इसको ख़त्म कर दीजिएगा ठीक है जी। चलें आगे, ये छोटी मोटी चीज़ें ज़रा अकोमोडेट करते जाया करेंगे, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये थे जी आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब चल रहे हैं आपके स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 4 की है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट राउंड फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। याद है ये फार्मूला, 3 ही तो फार्मूले मैंने शुरू में आपको बताए। ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंशियल डिस्टेंस याद आ रहा है, सिर्फ एक फार्मूला लगवाया था। चले मैं इसको क्या कहता हूँ, ये इक्वेशन है, इसकी पॉइंट से इस सर्कल की हमने लेंथ फाइंड करनी है। किससे? पॉइंट पी से सर्कल की लेंथ हमने फाइंड करनी है। और सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है, 5x2 - 10x + 15y - 131 = 0। अच्छा इससे मिलते जुलती उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है, वो एंड में 3 एग्जांपल है, इंशाल्लाह वो एंड में करूँगा। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, चलें इसको ज़रा डिवाइड कर लें 5 से। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। याद है 6.1 बड़ा तफसीली वहाँ पे किया था, एक्चुअली हमें GFC की वैल्यू चाहिए ठीक है। तो बेटा आप जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, x2 + y2 जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है, x2 + y2 + 2gx + 2fy + c = 0। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है। तो ये 2g किसके इक्वल आ जाएगा, x का कोफिशिएंट इधर 2g है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। सो 2g = -2, 2f और 2 बेटा उधर जाके डिवाइड कर लेंगे तो 1 रह जाएगा। इसी तरह 2f = क्या आ जाएगा, 3 और f = 3/2। एंड लास्टली योर कांस्टेंट ग्रीन कलर है, c1 = -131/5। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, कंपेयरिंग कोफिशिएंट जिसमें हम 6.1 में करते रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरी लेक्चर 6.1 नहीं देखा काइंडली पहले वो देखिएगा, फिर ये करिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। सो जीएफसी की वैल्यू आ गई है और फार्मूला याद है किसी को? वैसे तो आज ही अभी करवाया है तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा उसको याद करने का। चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वापस बात है मैंने तो करना ही है। और एक्चुअली करना गया था हमने उस पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी थी, किस पॉइंट से। तो अगर डायग्राम थोड़ी सी बना लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे ये जीएफसी की वैल्यू आ गई और x1 y1 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो डायग्राम अगर बना लें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमने ये निकालनी है। चले डायग्राम अब आपको जा, ये सर्कल की गई है ना सर, ये पॉइंट है। एक्चुअली ये P से लेकर B तक का डिस्टेंस हमने निकालना, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट उसने बोला था। और क्या फार्मूला हमने पढ़ा था याद है, x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। सो जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यूज ऑफ x1 y1 2 gfc। ये वैल्यूज रखनी है, -5 का स्क्वायर 25 16 आ जाएगा, -1 2 5 ये 10 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो रहा है 12 एंड 131/5। एलसीएम बेटा ले लीजिएगा और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास जो लास्ट आंसर आ रहा है वो 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। एक स्टेप मैंने छोड़ा हुआ, काइंडली एलसीएम जरूर ले लीजिएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 46 × 4 है, यहाँ ये आ जाएगा 2 का बाहर 4 का अंडर रूट आ जाएगा और 46 आ जाएगा। देखें ओके, तो ये था जी लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने का सिंपल सा काम, फार्मूला लगाना है एंड दैट्स इट। आगे कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है जी। चले आगे, ये एक स्टेप कर लीजिएगा एलसीएम वाला 1 से 2 ताकि आपका थारोली हो जाए। चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। यू हैव टू फाइंड, हाँ बड़ा मजे का ये क्वेश्चन है। 5 और 6 एक जैसे मिलते जुलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट फ्रॉम द लाइन टू द सर्कल बाय द सर्कल। आपको याद है कॉर्ड क्या थी, 6.1 की पहली 2-3 स्लाइड में मैंने बड़े तफसीली ये कॉर्ड, डायमीटर, सेक्टर, आर्क, सर्कल की काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने एक स्लाइड पे डिफाइन करके बता दी थी। खैर हमने अभी कॉर्ड फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। डायग्राम बनाता हूँ। एक्चुअली एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x2 plus y2 2। आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे कॉर्ड कट कर रही है, ये कॉर्ड है। आपने एक्चुअली इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। मीन सारी बात, अगर कॉर्ड है तो 2 पॉइंट पर टच करेगी, बट ऐसे 2 लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, क्योंकि अगर लाइन सर्कल के सेंटर से गुजरती है तो हम उसको डायमीटर बोलते हैं, ऐसा ही है। तो ये सेंटर से नहीं गुजर रही, तो ये पॉइंट P1 आ जाएगा और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। एक्चुअली हमने ये लेंथ निकालनी, ये जो मैरून कलर आ रहा है ये डिस्टेंस निकालना, दूसरे लफ्जों में P1 एंड P2। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आ रही है तो फिर आगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। सारी बात, हमने जब डिस्टेंस निकालना P1 और P2 का, तो पहले हमें P1 और P2 पता तो होने चाहिए ना, तभी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो पता कर लेते हैं जी इसका। और इसके लिए आपको चाइल्डहुड में, आप याद है बहुत पहले आपने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.8 पढ़ी थी, याद आ रही? बहुत पुरानी बातें आपको याद करवा रहा हूँ। 4.8 में आपने क्या किया था कि एक लीनियर इक्वेशन होती थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, इनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते थे। और क्या तरीका था याद है किसी को? बिल्कुल, हम क्या कहते थे, यस जी, हम लीनियर में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देते। तो लीनियर इक्वेशन जिसमें x पावर 1 या वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हम लीनियर बोलते थे। अगर किसी ने ये भी रिमाइंड करना हो तो मेरे वो लेक्चर फर्स्ट ईयर के भी देख सकते हैं, आपको बाद में अवेलेबल होंगे, ताकि ये भी मैथड याद आ जाए। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किसी एक वेरिएबल की यू कैन, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की। मैंने x की वैल्यू निकाली है, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा से द थियोरी को, ये नंबर 1। और इसको किस में पुट करते थे, लीनियर से इक्वेशन निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर देते थे। तो पुट इन x square plus y square is equal to, ये 26 नहीं है 2 है, इधर आते आते 26 कैसे हो गया, खैर ये 2 है, ये उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो बेटा वैल्यूज रख लें, ठीक है। अब ये चेक करते हैं ये 26 है या 2 है, स्टेटमेंट एक दफ़ा मुझे चेक करने दीजिएगा। अब यहाँ ऊपर गलत लिखा है या नीचे स्टेटमेंट में गलत लिखा हुआ है, सो जस्ट अ मिनट, मैं अभी बुक खोल के इसको कंफर्म कर रहा हूँ। आपके पास ये हम चाह रही है 6.2, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, यस, ये 26 है। जस्ट अ मिनट, ये करेक्शन है जी, ये यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 26 है नॉट 2, ये 26 है ये नफ सर्कल अगेन ये 26 है। वही मैं कहूँगा उधर 2 है और इधर आके ये शॉर्ट है। चले अगले पार्ट में भी आगे स्लाइड में भी कर लेते हैं ताकि जब हम बाकी बात करें तो वापस ना आना पड़े। अच्छा जी, तो बात चल रही थी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अच्छा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकाल ली थी, ऐसा ही है। चले जी, ये थोड़ी सी करेक्शन थी। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, आपने दो पॉइंट निकालने। तो बात चल रही थी, हाँ जी, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मीन एक्स की जगह पे 13 माइनस 3y ओवर 2 पुट कर देंगे। सो ये आपके पास 13 माइनस 3y ओवर 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। स्क्वायर बेटा ओपन कर लें न्यूमिनेटर में, तो क्या फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, होपफुली आप बड़े हो गए हैं तो ये आप कर सकेंगे। अगर स्टेप लिखना चाहें तो ज़रूर इसमें एडिशन करें। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। पहले देखें इस स्टेप तक कोई मसला है तो पूछिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर ओके है तो आगे देखें। तो जी आपके पास आ रहा है, जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है इसको, और देखते हैं क्या आता है। ओके तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ रही है। बेटा इसको और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर। अब मिड टर्म ब्रेक कर रहा है, 78y को वो कर रहा है 13 और 65y आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली हमने क्या निकालनी y की वैल्यू, तो आइदर करके इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो y की एक वैल्यू 1 आ रही है और एक y की वैल्यू क्या आ रही है 65 ओवर 13 और भी, हाँ 13 5 65। तो ये दो y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ है, आपने ये लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकाली, क्वाड्रेटिक में पुट की, ऐसे ही है। बट अभी ये y आया है, इसको दोबारा से हम क्या करते होते थे लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि हमें दो पॉइंट चाहिए तो इसको दोबारा से बेटा क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो ये लीनियर इक्वेशन ये थी, ये राइट साइड पे मैंने लिख रही है ऊपर याद आने के लिए। सो पहले पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y की जगह पे वहां पे 1 रखें और आंसर निकालेंगे तो 5। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला x होता है दूसरा y, तो ये 5 x आ जाएगा और y 1 आ जाएगा। अगेन ये चेंज हुआ हुआ, इसको मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 5 एंड 1। सिमिलरली अब दूसरी y की वैल्यू आप पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अब x का आंसर क्या आ रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है और -1 आ रहा है। देखें कोई मसला, ठीक है। ये 2 ओवर 1 है, ये भी करेक्शन होने वाली है। तो ये दोनों पॉइंट मेरे ख्याल आपस में मिक्स हो गए, तो जल्दी से इसकी मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो किया क्या है कि लीनियर इक्वेशन से जो हम वैल्यू निकाल रहे थे उसको जो दो आंसर आए हैं उसको हमने इधर पुट कर दिया है, किस में इक्वेशन 1 में, ठीक है, जो आपके पास y की दो वैल्यू है। अच्छा बेटा पहले x की वैल्यू आती है, देन आपके पास क्या आती है y की वैल्यू। तो ये एक तो पॉइंट ये आ गया था। अच्छा जब दूसरा हमने पुट किया है तो एक्चुअली यहाँ पे भी छोटी सी करेक्शन आ जाएगी जी, ये 2 ओवर 1, ठीक है जी। और एक्चुअली ये -1 आ रहा है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा -1 एंड जस्ट अ मिनट, वो सेव कर रहा है, टाइम लेगा थोड़ा सा जी। तो ये आ रहा था x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 5, कोई मसला जी। तो अब हुआ क्या है कि आपके पास एक्चुअली फिर इसको पॉइंट P2 का नाम दे देते हैं, वैसे भी हमने डिस्टेंस ही निकालना है लेकिन चूंकि उसमें इसको P1 का आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बेटा आपके पास क्या आ रही है P1 आ रही है, ठीक है। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए, एक्चुअली हमने मेनली तो ये दो पॉइंट निकालने थे, अब इनके दरमियान इनकी लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो इसको ज़रा आगे भी करेक्शन कर देते हैं क्योंकि अभी ये एडिशन चेंजिंग हुई है, तो आगे देखते हैं इसने सही लिखा है, अगर वो चेंज करना है तो अभी हम कर देते हैं ताकि एक ही दफ़ा इसको लेके चलें। हाँ जी, P1 आपके पास अब आ रहा है, हाँ ये देखें ना, ये आ रहा है P1 आपके पास, हाँ 51 और P2। मैंने डायग्राम में भी इसको मैंशन कर दिया है ताकि बेटा समझते हुए हमें आसानी हो, ठीक है जी। चलें अब मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ और वापस चलते हैं हमारी जो पिछली स्लाइड थी। हम दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन को पुट किया था किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई थी और दो वैल्यूज़ की बैक सब्स्टिट्यूशन की थी, वो जो लीनियर इक्वेशन से हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था उसमें पुट की थी। तो चले ये एक छोटी सी करेक्शन थी, जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास एक्चुअली आया था वाई इक्वल टू 1, जब आप इक्वेशन 1 में रख रहे थे तो आपके पास एक्स की वैल्यू 5 आई थी, तो एक्स और वाई का आंसर आ गया। देन बेटा वाई इक्वल टू 5 रखा है तो आपके पास एक्स का आंसर आ गया व्हिच इज इक्वल टू -1। सो योर लास्ट पॉइंट इज -1 एंड 5। सो दो पॉइंट आपके पास P1 तरतीब जरा आप नहीं लगा लीजिएगा जब आप लिखेंगे। ये आ गए दो पॉइंट। एक्चुअली हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड की हमें क्या करनी थी, लेंथ फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हम आगे चल रहे हैं। ओके, तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी थी। दिस इज योर P1, P2 और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला याद है बिल्कुल, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों x2 x1, अभी इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट बेटा वैल्यू रख लें x2 x1 y2 माइनस y1, इनको किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं। 6 स्क्वायर 36 प्लस 16 52 एंड 52 मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है तो 13 फोर आर 52 या 4 का अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दो करेक्शन है जी, जल्दी से कर लेते हैं। एक तो वो ये हमने ये शुरू में 26 किया था और एक ये x2 x1 और y2 माइनस y1, ये फार्मूला है। फोर्थ चैप्टर में हमने किया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, फर्स्ट ईयर में भी ये किया हुआ है। और y2 माइनस y1, सॉरी इसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि लेक्चर जब चल रहे होते हैं तो ये चीज़ें साथ साथ करेक्शन होती जाएँ तो बेहतर है। फिर भी कोई मिस्टेक रह जाए तो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्पीड में ये काम हो रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जी आपका ये सिलेबस जो है वो टाइम पे ख़त्म हो और आपको ये चीज़ें वहाँ पे मिलती जाएं, यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हों। सो ये एक छोटी सी करेक्शन थी। हमने क्या किया, P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस निकाला विच इज इक्वल टू 2 × 2√13। देखें जी यहाँ तक अगर ओके है तो बताइए, श्योर है। चलें आगे जी, बिल्कुल। अब चलते हैं, मैंने बताया था 5 और 6 एक जैसे हैं और मज़े के क्वेश्चन है। अच्छा क्या फ़र्क है 5 और, अब ये मैं 6 लिखता हूँ फिर आपको शायद फ़र्क डिफरेंस पूछने वाला भी बनूंगा। सो 6 क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन टू द सर्कल। क्या डिफरेंस है एनी स्टूडेंट बताइएगा। वहाँ पे हमने बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट निकालने, जो हमने P1 P2 निकाला था ना, यहाँ पे सिर्फ P1 P2 निकालना है, लेंथ नहीं फाइंड करनी। पिछले 5th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन में ये डिफरेंस दे दिया उसने। ओके, तो बेटा वही पैटर्न लेके चलेंगे। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास उसी तरह सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है। दिस टाइम यू हैव टू फाइंड ओनली P1 एंड P2। सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। और आपके पास इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल के हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में रखी है और सिंप्लीफाई करना। थोड़ा सा मैं ज़रा स्पीड में कर लेता हूँ चूँकि ये मिलता जुलता है। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें, बट देखते जाइएगा, कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन करवा दीजिएगा। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6×2 = 12 एंड ओके 24। वाई स्क्वायर -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -12 एंड प्लस 4y माइनस 2y और अब सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मिड टर्म ब्रेक हमें करनी पड़ेगी। 15 और 5 का पेयर देखें क्या बनता है, 75 की वो बात कर रहा है। हाँ 25 × 3, यस 25 × 3 ये पेयर बन रहा है। यहाँ तक बच्चे पहले देखें, कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। बेन वही है 4.8 फर्स्ट ईयर वाला मेथड चल रहा है हमारा, साइमल्टेनियसली एक्चुअली उसको लेके सॉल्व करना। ओके है यहाँ तक, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक ओके है तो नेक्स्ट बेटा आप देखते रहें। तो आपके पास क्या आ रहा है, 5y × y - y1 जी कॉमन निकाल रहा है। देन आइदर करके लिख लेंगे y = 5 एंड y = -3/5। अब इसको किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में। शाबाश, पुट y = 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मैंने याद आने के लिए ये राइट साइड पे ऊपर लिख दिया है ताकि अब जब पुट करें तो आसानी हो जाए। तो x आ रहा है -4, सो पॉइंट क्या आ जाएगा -4 एंड y = 5। देन अब आप y = -3/5 इसमें इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपके पास आ रहा है अगेन -4 और ये -4 नहीं आएगा, ये ऊपर वाला कॉपी हुआ हुआ है। तो ये आ रहा है 36/5। सो योर पॉइंट एज 36/5 एंड -3/5। तो यही दो पॉइंट ही हमने निकालने थे, दैट्स इट। ठीक है, एक जरा फिर करेक्शन कर लें, ये -4 नहीं आएगा, ये वाला -4 नहीं आएगा। ठीक है, हमने बेटा दो सिर्फ पॉइंट निकालने थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे जो हमने निकाल के अभी सामने रख लिए। ठीक है जी, तो ये आपका 5वां और 5th एंड 6th क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता था, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक मिलता जुलता था, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वो 5th की बात करें, उसमें ज़रा लंबा लेंथी काम था। अच्छा जी, तो ये देख लें जी, आपके पास ये दो पॉइंट आ गए। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर P1 एंड P2 विच इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब आते हैं मज़े के क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली ये 7 और 8 क्वेश्चन जो मेरा बड़ा मज़े का फेवरेट है। याद आपने 4 क्वेश्चन में भी डी पार्ट किया था और एक एग्जांपल की थी। इसी तरीके से ये आगे पहले 7 देखते हैं, देन 8 ज़्यादा मज़े का है। चलें जी, तो पहले हम चलते हैं जी नेक्स्ट, उसने जो स्मार्ट सिलेबस में आपके ऑब्वियस बात, आपका बेटा शुक्र करें कि काफ़ी क्वेश्चन उसने रिड्यूस करवा दिए हैं, वरना पिछले सालों में हम सारे क्वेश्चंस करवा रहे थे। इसका सिर्फ सेकंड पार्ट करने को कहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल परपेंडिकुलर टू द लाइन। परेशानी होना देख के इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझा सकूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपने, सर्कल टू द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सर्कल बना लेते हैं। मैंने कहा ना डायग्राम बनाते हैं तो इंशाल्लाह हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। सो हमने क्या किया है, सबसे पहले सर्कल बनाया है, इस पर एक टेंजेंट है और टेंजेंट की इक्वेशन उसने दी हुई है कि इसके इक्वल है 3x + 2y। अब इक्वेशन टेंजेंट की हमने फाइंड करनी है, और लेकिन एक और लाइन दी हुई है जो कि परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन है ये, मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी है, 3x + 2y = 6। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन दी हुई, मुझे बताएंगे इस लाइन को स्पेसिफिक क्या नाम देंगे? शाबाश, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उसको क्या नाम देते होते हैं? बिल्कुल नॉर्मल, याद आ रहा है। सो एक्चुअली उसने नॉर्मल की लाइन दी हुई है। अच्छा काम फिर हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप के स्पेलिंग जरा चेक कर लें, कितने जबरदस्त लिखे हुए हैं। इसको करेक्ट करता हूँ जी मैं। स्लोप क्या होता है, फार्मूला -coefficient of x over coefficient of y। दो तरीके मैंने बताए थे, एक y = mx + c वाला था और एक ये है, यानी कि x का कोफिशिएंट लिख लें और y का कोफिशिएंट लिख लें। x का कोफिशिएंट 3 और y का 2 है। सो योर स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज दिस। किस लाइन की, ये ग्रीन वन की बात हो रही। बट हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड लाइन, चूंकि टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। तो जब इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी। सारी चीज़ें मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जब करें तो आसानी हो जाए। यहाँ तक पहले देखें जी, कोई प्रॉब्लम ओके है तो ये ज़रा स्लोप के स्पेलिंग ज़रा सेट कर दें, SLOPE। चलें, थैंक यू। तो ये स्लोप आ गई। ठीक है जी, तो सबसे पहले सिर्फ हमने ये किया है कि गिवन एक लाइन दी हुई थी, इसकी हमने स्लोप निकाल के, चूंकि गिवन लाइन जो थी वो रिक्वायर्ड लाइन के क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और बिकॉज वो परपेंडिकुलर थी तो फिर हमने क्या किया है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया स्लोप का बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। डायग्राम आपके सामने, मैं रिक्वेस्ट यही बच्चों को करता होता हूँ कि बच्चे डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसी से ही आपका क्वेश्चन आगे देखना होता है कि चल क्या रहा है। तो अभी इस स्लाइड में सिर्फ इतना काम किया, हमने स्लोप निकाल ली इस टेंजेंट की, ओके है यहाँ तक। चलें आगे जी, चलें देखते हैं नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं हम। ओके, तो डायग्राम ज़रा दोबारा बनाने काम आ जाएगी जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नज़र आ रही होंगी। देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या दी हुई थी, x2 + y2 = 2। एक्चुअली इसको कंपेयर कर लें, 6.1 याद है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच इज x - a2 + y - k2 = r2। तो बेटा अगर गौर करें, h इसमें 0 है, y 0 है और r आपके पास √2 का स्क्वायर है। अगेन मैं यह रिमाइंडर करा रहा हूँ कि 6.1 ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ पे बड़े तफसीली ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ये कंपेयरिंग करना और इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर तो आ गया 0, 0 और रेडियस दिस टाइम क्या आ जाएगा √2। आर या ए आपके पास क्या आ गया है √2। सो बेटा आपके पास रेडियस आ गया है, सेंटर आ गया है, स्लोप आ चुकी है। फिर वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी थी, तो क्या आ जाएगा फार्मूला याद है? अब ये एक नई चीज हम यूज कर रहे हैं, नई इस सेंस में नहीं है, फोर्थ चैप्टर में हमने किया हुआ है। स्लोप एंड डेड साइड फॉर्म याद है, वो क्या होता था फार्मूला y mx + c। ओके याद आ रहा है कि जब आपके पास स्लोप दी हो और y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम क्या करते थे ये वाली इक्वेशन लगाते होते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये कर दिया है कि द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट। ये वाला रिजल्ट आपके बुक के पेज नंबर 258 पे दिया हुआ है। c किसके इक्वल यहाँ पे हम लिख रहे हैं using the condition that the if the line may be tangent to the circle, तो c इसके इक्वल होता है किसके, ये आपके बुक में प्रूव भी किया हुआ है 258 पे, जो देखना चाहे स्टूडेंट वो दे सकता है। c इज इक्वल टू +- a × 1 + m²। सो जस्ट आप ये वाली ये इक्वेशन याद कर लें y mx + ये सिर्फ c की वैल्यू आप पुट कर दें, तो इससे ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बेटा अब आपके पास a भी है, आपके पास m भी है और बस इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये 2/3 a आपके पास √2 था। सिंप्लीफाई कर लें, मीन एलसीएम के अंदर ये अंडररूट के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ये 9 + 4/9 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी अपने जो फार्मूला बैंक है उसमें ऐड कर लीजिएगा। ओके यहाँ तक चलें जी, और बस मैक्सिमम अब सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं जी कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। चले जी ओके, सो आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ तक हमारे पास आ गया था 13 √9, 9 का √आ जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 3 आ रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये लास्ट आंसर आर इक्वेशंस का था ना उसने। सो एक इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगी 2x - 3y + √26 और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी 2x - 3y - 26 √= 0। तो एक्चुअली बेटा ये दो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी थी जो आपके सामने। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाएं, इसकी हेल्प से आप देखें क्वेश्चन कितना ईजी हो रहा है। और वो एक फार्मूला एक नया था उसको ज़रा अपना ऐड कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ओके जी, एनी प्रॉब्लम? चले जी, अब आ जाए मैंने बताया जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है उसकी तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली 8 के तीनों पार्ट बड़े मज़े के थे, बट आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपके 2 पार्ट उसने स्किप कर दिए हैं। 3rd पार्ट आपने उसने स्मार्ट सिलेबस में ऐड किया है दैट यू हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। तो देखते हैं जी सोल्यूशन की तरफ आए। ये एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। अगेन डायग्राम मस्ट है, x + 1² y - 2² = 26। इक्वेशन ऑफ एज गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कौन सा है -7 and 2। आपने एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से निकालनी ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। इस पॉइंट से सर्कल की तरफ 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं। डायग्राम मैं प्रॉपर बना रहा हूँ, उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने ये भी निकालनी, ग्रीन वन, और टेंजेंट आपको बता दिया हुआ है शुरू में क्या था। अब आप इसको कंपेयर कर लें, मीन फर्स्ट आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर लें, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। सो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास h आ रहा है -1 और y जो k है वो 2 आ रहा है और r किसके इक्वल है √26। सो आपके पास सेंटर आ रहा है -1, 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 26 √। मैं फिर कह रहा हूँ इसको तफसीली समझना है तो 6.1 के जो शुरू के क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कंपेयर प्रॉपर कलर लैंग्वेज से सिखाया हुआ है। अच्छा जी, सेंटर आ गया, जरा डायग्राम को भी बड़ा करते जा रहे हैं, एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा सेंटर -1/2 और रेडियस क्या आ जाएगा 26 √। जो चीज़ें आती जाएँ अपनी डायग्राम फिल करते रहें ताकि एक प्रॉपर शेप आती जाए, चेकर के लिए भी आसानी होती है। आप भी जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वहाँ से इंफॉर्मेशन पकड़ें और उसको यूज कर लें। यहाँ तक बच्चे देखो कोई मसला? चलें आगे चलें जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, टेक x + 1, यही इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ले रहा है और जैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहा है जी, a + b का स्क्वायर का फार्मूला क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab। यहाँ पे क्या आ रहा है a² + b² - 2ab = 26। Okay, simplify कर रहे हैं. So we have x square plus 1 plus 2x, y square plus 4 minus 4y is equal to 26. Brackets open कर लें, सारे addition हो रही हैं. 26 को भी इधर ले आए, बल्कि कांस्टेंट सारे एक जगह उसने राइट पे कर दिए हैं. तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, जिसको को नाम भी शायद दे दे वो. जी बिल्कुल, इक्वेशन 1 का नाम दे रहा है. एक्चुअली इस इक्वेशन 1 को हम आगे यूज करेंगे काफी जगह जाकर. यहाँ तक देख लें, बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं. तो सिर्फ स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, सेंटर निकाला है, रेडियस निकाला है और उस इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कर रहे हैं. कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है. हाँ, ये मजे की डायग्राम है, वो जरूर आपने बनानी है. चलें जी, ये स्लाइड ओके है, श्योर है बेटा. चलें जी, आगे चलते हैं फिर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो ये डायग्राम दोबारा जी. एस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल. चूंकि बेटा टेंजेंट जो है इस पॉइंट से इस सर्कल की तरफ गया, तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ए का नाम दे रहे हैं, जिसको हमने एक्स वन वाई वन का नाम दे दिया. ठीक है जी. एज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू टच द सर्कल एट पॉइंट ए, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रही है. कौन सी, जरा गौर कीजिएगा. मैंने कहा ना, बड़ा मजे का क्वेश्चन है और ऑब्वियस बात, अगर मेरे इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हैवी भी होगा. सो सी ए पी आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही आ गई है. चले, मैं दोबारा कलर कर रहा हूँ, ये देखें सी ए पी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए जो है ये 90 का एंगल, यहाँ पे क्या बन रहा है 90 का एंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा है बच्चे वो सी ए पी. और आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इस क्वेश्चन का मजा यही है कि जरा बड़ा केयरफुल होके कीजिएगा, यहाँ से अक्सर कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. हाइपोटेनस इसमें बेटा क्या आ जाएगा, -7 और -1. एक्चुअली क्या था, ये वाला पॉइंट और ये वाला 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो इसका हाइपोटेनस आ जाएगा PC. तो हाइपोटेनस आ गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा एंड देन बेस आ जाएगा. यहाँ तक देख लें कोई मसला. तो ये दो पॉइंट इधर थे, दो इधर थे और दो इधर है, सबका मैंने फार्मूला लगा दिया. सही है जी. अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको. मैंने कहा ना, चूंकि इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आके मिस्टेक कर जाते हैं कि जी करना क्या है. सही है. तो ये अभी मिस्टेक जो नज़र आ रही है, सेंटर में हमने -2 नहीं लिखा. ठीक है, डायग्राम ज़रा करेक्ट करते हैं. खैर, इसको पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर लें. तो ये क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर 4 है, x1 ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला खोलिएगा, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 26. देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन. ठीक है, तो ये ज़रा सेंटर के पॉइंट्स जो है ना वो सेट कर लूँ, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें सिर्फ मसला यही आता है कि चूँकि नेगेटिव में कुछ ज़्यादा पॉइंट दिए हुए हैं तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये वेट कीजिएगा, सेव कर रहा है. ओके, तो ये देखें, यहाँ पे जब हमने सेंटर निकाला था तो वो आपके पास क्या आया था, -1 और 2 आ रहा था. अच्छा, ये तो सेंटर यहाँ पे -1 और 2 है. इधर हम देख रहे हैं तो सेंटर आपके पास क्या आ रहा है, -1 और 2. लेकिन जहाँ पे जब हम पुट कर रहे थे तो वो फार्मूला क्या था, y2 - y1, -7 और माइनस आ गया y1 और -2 और -2. ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है. सही है. हालांकि फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा, लेकिन बेटा कंप्लीट काम हमने वही करना है. सिमिलरली यहाँ पे भी देखें तो x1 y1 के साथ भी जब हमने किया है तो एक्चुअली यहाँ पे भी ये +2 का साइन आ रहा है. तो क्या आ जाएगा, नहीं ये ठीक है, x1 - 7 का स्क्वायर y1, ये -2. यार सेंटर में ये +2 था, तो ये एक नेगेटिव साइन जो था वो मैंने सेट कर दिया. देखो कोई कन्फ्यूजन. फिर भी अगर बेटा को प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दीजिएगा. इग्नोर इस सेंस में कीजिएगा, मुझे मेरी गलती को आपने अपनी करेक्शन करनी है. ठीक है ना, ये ना कहना सर ने कहा इग्नोर कर दें तो बात खत्म होगी. चले जी, एक छोटी सी करेक्शन थी, ये आपने कर दी है. अच्छा जी, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए. हमने यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. यहाँ तक देख लें, किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकते हैं. ओके है जी, चले आगे. श्योर है, चले आगे चलते. अब बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी, इक्वेशन को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है और ये मज़े का क्वेश्चन हमारा चलता जाएगा. तो देखते हैं जी आगे क्या कर रहा है. डायग्राम फिर बना ली एक अच्छी सी. जी बिल्कुल, राइट साइड ये मैंने दोबारा लिख ली है और सिंप्लीफाई कर लें इसको. तो क्या आ जाएगा, ये x1 स्क्वायर 49 14 x1 y1 स्क्वायर 4 एंड 4y1। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़रा पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी हो जाती है। एक साइड पे ले लेंगे, इसको सारा कर लेंगे तो ये 14x1 माइनस 27, कॉन्स्टेंट सारे इकट्ठे करेंगे तो ये माइनस 27 आ रहा है। एक इक्वेशन 1 निकाली थी, याद है। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, बाद में इसकी छोटी सी समरी भी आप कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आप वाइंड अप करने में आसानी हो। As the point A is lie on equation 1, देखें ये point A जो है ये equation 1 पे lie कर रहा है। equation 1 कौन सी थी? ये वाली, मैंने चले ये लिखी हुई है, बल्कि अच्छा किया मैंने ऐड कर दिया। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया था ना सर्कल की equation को, तो ये equation 1 आ रही। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि ये पॉइंट इस सर्कल की equation पे lie कर रहा है, याद है 6.1, तो अगर वो उस पर कर रहा है तो equation को भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर देखें ये आपके पास एक्चुअली क्या थी, x2 y2 प्लस 2x माइनस 4y21। तो x की जगह पे x1 रख लें, y की जगह y1 रख लें क्योंकि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये एक्चुअली कर चुके हैं हम। वहाँ पे आपको तीन पॉइंट पे पुट किए हुए 6.1 में, अगर आपको याद हो। सो आपके पास अब इक्वेशन 3 आ गई, ये मिलती जुलती इक्वेशन 2 से है। इन दोनों के साथ अब हम थोड़ा सा प्ले करते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, 3 को बेटा आप ऊपर लिख लें, सॉरी 2 को ऊपर लिख लें, 3 को आप नीचे लिखें, सबट्रैक्ट करें। सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये बेटा कैंसिल हो रहा है और बाकी आपके पास जो चीज़ बच रही अभी तक के लिए इतनी। देखो कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके चले आगे। सो बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, 8 के थर्ड पार्ट को आगे लेके चल रहे हैं। तो आपके पास बेटा देखें 12x1 8y1 इज इक्वल टू माइनस 48 आ रहा है। 4 कॉमन निकाल लें, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 12 को जब 48 को जब 4 से करेंगे तो माइनस 12 आ रहा है। और यू कैन से दैट योर y1 इज इक्वल टू, एक्चुअली अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। ये y1 की वैल्यू आ गई है, इस y1 की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, आइदर इन इक्वेशन 3 में कर दें या 2 में कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन 3 अगेन 4th चैप्टर 4.89, ये बड़े हैवी किस्म के चैप्टर एक्सरसाइज थी, वो सारी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, कैलकुलेशंस हैं। सो आपके पास मैंने तब ये ज़रा हेल्पिंग के लिए इक्वेशन 3 ऊपर लिख दी है और उस बाद आपको क्वेश्चन जब आप सोल्यूशन कर रहे हैं बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन 3 थी, तो बेटा इक्वेशन 4 को मीन y1 की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दें। तो x1 आपके पास है, y1 की आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करना। जहाँ जहाँ पे y1 है वहाँ पे हमने क्या किया, -12 -3x1 हमने पुट कर दिया। ओके चले अब बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर तो स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab, नेगेटिव वो एक ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 2 4 है और 2 को अंदर फिर आगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखें जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें यहीं पे मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ईच टर्म बाय 4, ये एलसीएम खत्म करना चाह रहे, फ्रैक्शन खत्म करना चाह रहे हैं तो 4 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दें। अब रूटीन की मल्टीप्लिकेशन हो रही, यहाँ पे बड़ा केयरफुल होकर क्वेश्चन को कीजिएगा बिकॉज अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, चूँकि टर्म से ज़्यादा है तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सो 13 कॉमन निकला, 13 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन। अब क्या कर रहा है वो मिड टर्म ब्रेक कर रहा है, 8 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 6 और 2 बन रहे हैं। फर्स्ट 2 में से बेटा x1 कॉमन निकल रहा है, लास्ट 2 में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ तक अभी फैक्टर हमारे बन गए x1 प्लस 6 इंटू x1 प्लस 2। एक्चुअली फिर वही बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक बच्चे कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। ओके श्योर है, चलते हैं आगे। तो बेटा आप देखें आपके पास x1 प्लस 6 भी है और x1 प्लस 2 भी है और इसको आगे लेके चलते हैं, आइडर करके लिखेंगे तो x1 की एक वैल्यू तो आ जाएगी -6 और इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में। और 4 क्या थी, फिर मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये आपके पास आ ठीक है, एक्चुअली वही लीनियर इक्वेशन थी। तो इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास y1 का आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। सो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, x आपके पास -6 था और y आपके पास 3 है। सिमिलरली एक और y की वैल्यू है, x की वैल्यू आ रही है x1 इज इक्वल टू -2, किस में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 में बेटा हम इसको क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं और चेक करते हैं जी पुट करने के बाद क्या बन रहा है। ठीक है सो ये 3 2s 6 आ जाएगा, 12 में से 6 नेगेटिव 6 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज -2 एंड -3। एक्चुअली हमने दो पॉइंट निकाल लिए, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा। ऑब्वियस बात है बच्चे कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को टीचर जो है वो जल्दी इसको छेड़ते नहीं और अंडरस्टैंडेबल है कि ये लास्ट टाइम एक पूरा लेक्चर लेके जाता है अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हो तो। ठीक है जी। सो मैं कोशिश की है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, उनको हमने आगे यूज करना है। ये अब आपके पॉइंट मैंने लिख भी दिए हैं, -6 और 3। डबल ब्रैकेट लग गई है, चलो खैर कोई नहीं, एक ही लगानी है आपने। अच्छा ये दो पॉइंट आ गए। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, देखें ये -6 3 और पी पॉइंट, ये वाली इक्वेशन, ये जो ऊपर वाला जहाँ पे कर्सर है ये फाइंड करना। दो पॉइंट है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कौन सा फार्मूला लगेगा, 4th चैप्टर को रिमाइंड कीजिएगा। दो पॉइंट है, मैंने वैसे हिंट भी दे दिया, 2 पॉइंट फार्मूला याद है। 4th चैप्टर नहीं है तो काइंडली 4th चैप्टर देख लीजिएगा, वहां पे 4.3 में बड़ा तो सीधी ये बताया हुआ है। और कोई फार्मूला जरा याद करवाएगी, क्या हम फार्मूला लगाते थे 2 पॉइंट के लिए। शाबाश जी, बिल्कुल वो था। मैंने एक सिंपल सी जरा फॉर्म बना के दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट टू दिस 2 पॉइंट की वो बात कर रहा है, तो दो पॉइंट में से गुजर रही है। फॉर्मूला था y2 - y1 over y - y1 x2 - x1 over x - x1। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया था, चेंज इन सन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, बाकी जरिए बेसिक्स तो वही है। अब बेटा किसी को भी आप x1 y1 कह लें, किसी को भी x2 y2 कह लें और जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो मैंने ये दोनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 पुट किया है, सिंप्लीफाई करना है आपने और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। -5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, -1 को करेंगे तो -5x - 30 और ये आपके पास 5x - 5 + 33 = 0। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। कैसे निकलेगी, पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट कौन सा ले लेंगे, बी। सेम फार्मूला लगेगा, सिर्फ पॉइंट ए की जगह पे अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही है सर, करते हैं। ओके तो अब ये दो पॉइंट है बेटा, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर रहे हैं। फार्मूला सेम आ जाएगा बट दिस टाइम सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये -2 और -3 आ गया है। सेम पैटर्न पे बेटा x1 y1 x2 y2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे और ये क्या आ जाएगा आपके पास -5 एंड देन x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और एक साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास छोटी सी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x + 5y + 17 = 0। देखें जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो एक्चुअली हमने ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी जो आपके सामने आ चुकी है। होपफुली ये क्वेश्चन आपके लिए मजे का होगा। शुरू में ऑब्वियस बात आपको लेंथी लगेगा बट इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उसने सिलेबस में ऐड किया है तो बड़ा सोच समझ के किया है। मैंने बताया ना इसके 2 पार्ट है लेकिन उसने 3rd ही दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस होते हैं जी लॉन्ग में आने के। ठीक है, मैंने कोशिश की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रॉपर आपको समझा सकूँ जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपको 8 का 3rd पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है, देखते हैं जी कौन सा क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किया है स्मार्ट सिलेबस में 9। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की आपने इक्वेशन निकाल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स चलें निकालते हैं। आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन, ये भी मजे का क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता है लेकिन जरा शॉर्ट है, 8 के 3rd की तरह नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बेटा आपके पास दी हुई है, डायग्राम मैं प्रॉपर बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है जी। ओके ओके तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। ये एक पॉइंट दिया हुआ है 4 और 5, तो ये पॉइंट है। अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वो बात कर रहा है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये देखें यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की वो बात कर रहा है। आपने अब इसको जो गिवन इक्वेशन है इसको डिवाइड करना है 2 से। क्यों कर रहे हैं, ताकि x² और y² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 आ जाए, मीन वही सेंटर और रेडियस वाली बात। तो आपके पास जो जनरल इक्वेशन जो सिंपल इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 4 8 2 6 12 एंड दिस, यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन। और ये क्यों किया है, वैसे मैंने हिंट दे भी दी है, आपको आइडिया हो रहा होगा हम GFC फाइंड कर रहे हैं। तो चलें GFC जरा फाइंड करते हैं और वो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x 2g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, या आप डायरेक्ट कह रहा हूँ g इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली 2f इज इक्वल टू 6 या f इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। अब हम ये कहते हैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये दो पॉइंट है, इनका नाम रख लेते हैं, एक को हम कह देते हैं ए और एक को हम क्या कह देते हैं बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कोई मसला जी। लेट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू टेंजेंट्स बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, कोई मसला जी। तो हमने सिर्फ सेंटर फाइंड किया और दो पॉइंट्स पोज किए हैं इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा इजी है एज कम्पेयर टू 8 के थर्ड पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं। ओके जी, लेके चलते हैं इसको आगे और ये आपके पास डायग्राम दोबारा बन गई है। अच्छा, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू टेंजेंट बी दिस, ये दोबारा लाइन लिख रही है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए टू द गिवन सर्कल। हम इस पॉइंट पे ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, फार्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं। आपको याद है शुरू में मैंने लिखवाया था और कहा था ये फार्मूला हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, याद आ रहा है? ऑब्वियस बात अभी पेज तो आपको नहीं याद होगा बट ये कुछ मिलती जुलती शेप आपको नजर आएगी। ठीक है, जहाँ पे x x1 y y1 था, पेज नंबर 257 पे ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला मिल जाएगा। नहीं याद आ रहा, चलो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो x x1 y y1 प्लस g x plus x1 f into y पर प्लस y1 प्लस c, पेज नंबर 257 पे। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपने लगा देना। अच्छा, GFC की वैल्यू निकाली हुई थी तो मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी, g2 था f3 है एंड देन g-2 था। ठीक है, ओके जी, तो सिंस इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अब वो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन जो है ये स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट में से गुजर रही है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन आप क्या करेंगे, x की जगह पे 4 रख दें और y की जगह पे क्या करेंगे 5 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रख दें, y की जगह पे आप 5 रखें और इसको सिंप्लीफाई बेटा करना शुरू करें। -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लें। ये जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में 2 है इसको खत्म करने के लिए पहले एलसीएम ले रहे हैं। पहले देखें जी यहाँ तक अब्जॉर्ब करें, ये समझ आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके चले जी, अब अगर ओके है, बल्कि कर ही दिया उसने यार, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें ओवरऑल तो 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास ये आ गई, इससे हमने क्या किया ये चीज निकाल ली, कोई मसला नहीं यहाँ पर। ओके चले जी, एक और पॉइंट भी है उसको भी जरा देखते हैं। अब सेम काम हम करेंगे जो हमने ए के लिए किया है, सेम काम बी के लिए भी। सिर्फ क्या हुआ, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ रहे हैं x2 y2, सेम वर्डिंग हर चीज वही है, सिर्फ ए की जगह बी है। वही हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज की है, सिर्फ क्या हुआ x1 और y1 की जगह पिछली साइड में x1 y1 था, यहाँ पे x2 y2 है, पॉइंट भी वही है और इक्वेशन भी आपसे उससे मिलती जुलती है। ये जल्दी में यही किया है कि वो सेम आ रही है, आप देखेंगे दोनों इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एक्चुअली हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना था ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन सर्कल। खैर यहाँ तक पहले देखें जी ओके है। और फरहान साहब इक्वेशन 3 इससे पीछे थी, आपने उस दिन मैसेज किया था कि सर वो 3 में से 3 इससे पिछले वाला ये 4 है, सही है। सो वो आपने करेक्शन की थी उसी जरूर, हाँ आगे एक पॉइंट आपने बताया था वो मैंने ये कर दी है, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 3 और 4 क्या शो कर रही है, द पॉइंट्स ए बी लाइज ऑन किसमें, इस इक्वेशन। तो आपके पास रिक्वायर्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों सेम ही था, x1 y1 की जगह हमने जनरल लिख दिया है 4x प्लस 16y प्लस 30। तो ये ना निकालनी थी जी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपके सामने। ओके जी, तो ये कंपेरेटिवली जरा इजी था क्वेश्चन। अब ये जी मेरा ख्याल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और अब आपके छोटे छोटे 3 एग्जांपल्स हैं वो भी मैं कह देता हूँ ताकि बेटा आपका जो मेरा प्रॉमिस है कि जी ऑल क्वेश्चन और एग्जांपल्स करवानी है वो पूरा हो सके। ठीक है, चले जी एग्जाम्पल जो पहली उसने सेलेक्ट की थी एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे 260 पे है, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब टू इक्वेशंस निकालनी, अब आपको ये क्वेश्चन जरा इजी भी लगेंगे अगर पिछले क्वेश्चन आपने गौर से देखे और नीट कर लिए। ये आपके पास सर्कल है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स निकालनी है, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट उसने कौन सा दिया है, 2 एंड 3। क्वेश्चन पहले देखो समझ आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं जी। अच्छा जी अब आपके पास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हाँ वो फार्मूला y = mx + c वाला आपने पढ़ा हुआ है, याद है। यहाँ वाई c की जगह पे उसकी वैल्यू रख लें, पहले हम a निकाल रहे हैं, a मीन रेडियस इसका। तो ये दफा सर्कल क्या दिया हुआ है, x² + y² = 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, या कंपेयर इसको कर लो विद इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो a आपके पास एक्चुअली क्या आ गया, 3। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल बुक वाले ने डायरेक्ट किया हुआ था, मैंने स्टेप आपको शो करवा दिए कि ये a कहाँ से लेके आ रहा है। अब वो ये कह रहा है एनी टेंजेंट टू द सर्कल, कोई भी टेंजेंट हम ले रहे हैं, किस पे, फार्मूला क्या था y = mx + c, ये राइट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है, और ये प्लस a की वैल्यू हमने रख दी है 1 + m²। तो ये बेटा फार्मूला लगाया और ये हमने क्वेश्चन में भी लगाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, ओके है जी। अब ये कह रहा है एज इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट 2, 3 पे पास कर रहा है, सो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। आपने क्या करना है, y की जगह 3 रख देना है और x की जगह पे 2 रख देना, इजी है ये, आगे पार्ट्स इजी हैं, आपको ये बता रहा हूँ। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे इस अंडर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर कर लें दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे बेटा कौन सा फार्मूला बन रहा है, a - b² तक ये आ जाएगा, a² + b² -2ab, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 + m² अंडर रूट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लें, ये आ रहा है, या आप एक साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ तक देख लें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा। तो ये है 5m² + 12m = 0, कोई मसला जी? हाँ ये लाइन ना लगाए कोई मसला नहीं, ये चूंकि वो पिछला कॉपी किया हुआ है एक्चुअली, तो हमने कोई इनऑप्टेनियन निकालना है, ठीक है, ये कॉर्ड की ज़रूरत आपको नहीं है, सही है जी। आगे चलते हैं, ओके। तो अभी उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपके पास m यहाँ तक आ चुका था, m कॉमन निकाल लें, और आपके पास क्या आ रहा है, मिस्टेक है जी, ये 5m रह जाएगा इधर, तो m = 0 आ जाएगा, और m + 12 = दिस आ जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वेशन ज़रा निकाल भी लेते हैं, 260 पेज पे बेटा ये इक्वेशन दी हुई है। तो m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे 5 में से बेटा मैं अभी इसको कर देता हूँ, तो m एक्चुअली 1 आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा नेगेटिव। चले मैं कर ही देता हूँ इसमें जी, ये 5 में से जी जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं। ये आपके पास चूँकि m कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे बेटा m की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सही है। तो ये एक मिसिंग थी जी, और जब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, नहीं भाई अभी हम सेव नहीं करना चाह रहे हैं जी, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट अ मिनट जी, ये आपके पास क्या आ रहा है, 5m आ रहा है। फिर m की जब वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 12/5, तो ये मिस था जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी बाकी स्लोप वही है, ठीक आगे लिखा हुआ था, तो कंपोजिंग मिस्टेक थी, सेट कर। ओके जी, m की 2 वैल्यूज आई थी जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, और सॉल्व किसको कह रहे थे, 5m² + 12m को ये फैक्टर आगे लेके गए थे। तो आपके पास देखते हैं जी क्या आ रहा है, ये देखें जी m = 0 और m = -12/5, इसका मतलब 2 स्लोप आ गई। अब आपने क्या निकालना है, आगे देखिएगा, इंसर्टिंग दीज वैल्यूज ऑफ m इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 याद है, वो जो स्टार्टिंग पे थी, ठीक है, और वो आपने m की जगह वहाँ पे 0 रखना है, और ये इक्वेशन 1 है, मैं फिर फॉर सेफ साइड लिख देता होता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। m की जगह पे बेटा यहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 0 रखें, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। और देखें ये आंसर भी आ चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो पहला आंसर आ रहा है y = 3। ये कैसे आया है, जब आपने स्लोप 0 रखी। अब स्लोप क्या रखेंगे, -12/5, दूसरी भी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, उसको भी तो चेक करना है हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके जी। सो पुट नाउ पुश m = -12/5 इन इक्वेशन 1। अगेन मैंने 1 रिमाइंडर के लिए लिख दी है, आप जहाँ जहाँ पे बेटा -12/5 रखेंगे, सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है 39/5 और 5 से मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा व्हिच इज 5i + 12x - 39 = 0। तो सिंपल एक्सरसाइज थी बट ट्रिकी है, ठीक है। इसको इग्नोर आप नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज कर ली और ये छोड़ दें, क्योंकि अगर ये आप पूरा कर रहे हैं और इसमें से लॉन्ग ये एग्जाम्पल आ जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो भी उसने स्मार्ट सिलेबस में दिया हुआ उसको पूरा करें, मीन एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन दोनों ही करें। चलें जी आगे, चलते हैं आगे जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो उसने इंक्लूड किया आपके स्मार्ट सिलेबस में वो है पेज नंबर 262 पे, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइप फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, याद है टेंजेंशियल डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपने ये सर्कल है, ये इस पॉइंट से हमने टेंजेंशियल डिस्टेंस निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये कॉपी करते हुआ है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, जीएफसी निकाल रहे हैं। बट जीएफसी निकालते हुए आपके पास क्या आ रहा है, 5x2 5y2, 5 से डिवाइड कर दें ताकि बेटा x2 का कोफिशिएंट भी 1 आ जाए और y2 का भी कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो ये क्या आ रहा है 14/5 एंड 12/5। इसको बेटा कंपेयर कर लें, किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए सर्कल के साथ। तो हमारे पास 2g किसके इक्वल आ जाएगा 14/5, यानी कि g की वैल्यू, और 2f किसके इक्वल आ रहा है 12/5 c - 2, या 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो g आ जाएगा 14 से डिवाइड हो जाएगा तो 7/5, f आ जाएगा 6/5 और c आपके पास क्या आ रहा है 21/2। यहाँ तक बेटा देख लें कोई कंफ्यूजन है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी थी, ये कॉपी पेस्ट करते हुए हो गया है तो काइंडली इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। ये आपके पास लेंथ है जी, खत्म LENG। ये तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी जी। चूँकि डायग्राम मैं कोशिश करता हूँ बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि बुक वाले ने भी इसको मिस किया हुआ है। मैं कल आगे भी स्पेलिंग में सेट कर दूँ, आगे भी कोई देखिए। तो बात चाह रही थी कोशिश किया करें बच्चे के डायग्राम ज़रूर बना लिया करें, कुछ नहीं हो जाता मेरे ख्याल में तो ये समझने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो अगर बुक वाले ने नहीं बनाई या कोई की बुक वाला नहीं कर रहा तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो डायग्राम बनाने में हर्ज क्या है, आप डायग्राम बनाएं प्रॉपर फॉर्म में ताकि मज़ा आए यार काम हो क्या रहा है, और मेरे ख्याल में समझने में और आसानी हो जाती है। खैर जी एक छोटी सी करेक्शन थी, देखिए चलते हैं आगे। ओके, तो आपके पास ये अभी तक हमने क्या किया है, इसको कंपेयर किया था और वहाँ से हमने क्या किया था जीएफसी की वैल्यू निकाल ली थी। यहाँ तक अगर ओके है तो बेटा बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ओके है जी, चलिए अगर ये आ चुका है तो आगे इसको हम यूज़ कर रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंशियल या टेंजेंशियल डिस्टेंस के लिए। ओके, ये डायग्राम दोबारा बन गई। अब आपने ऑब्वियस पर एक दफ़ा ये जीएफसी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल इज ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू -5 एंड वाई इज इक्वल टू 10। एक्चुअली क्या रहा है, ये बुक वाली सारी वेडिंग लिखी है। अब आपने एक्स की जगह पे -5 और वाई की जगह 10 रखना है, किस में आपके पास ये वाली दो इक्वेशन तो पहले थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला लगा लें, वो क्या होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 2fy1 प्लस c। ये ब्राउन वाला ये पीछे मैंने लिखा था, इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो x1 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये वो बात कर रहा था, ये x1 -5 है, y1 10 आ रहा है, जीएफसी की वैल्यू ये हमने पीछे निकाली हुई। इस तरह का हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन किया है। अब जस्ट बेटा कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लें और लास्ट आंसर आपके पास जो आ रहा है रिक्वायर्ड लेंथ आ रहा है 133। मैक्सिमम सिंप्लीफाई कीजिएगा, एक दो स्टेप मैंने भी मिस किए हैं बट आप कोशिश कीजिएगा पूरे स्टेप करने के। ओके जी, तो ये थी आपकी एग्जांपल सेकंड। लास्ट एग्जांपल छोटी सी है, वो भी जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं, और वो है आपके बुक के पेज 263 पे। आपके पास अगेन टेंजेंट ड्रॉन इस पॉइंट से, पॉइंट पहले ही आ गया, इसको ज़्यादा जल्दी थी। खैर चलें, डायग्राम हमने बनानी इस पॉइंट से, वो क्या कह रहा है पॉइंट 3-4 से टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम दिस, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन वही कॉर्ड की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू टेंजेंट बी, एक को हम पी का नाम दे रहे हैं और एक को हम क्या कह रहे हैं फिर पी, एक क्यू है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्यू भी मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, तो दो पॉइंट आपके पास है। चलो यार पहले करेक्शन कर दें, अक्सर बेटा वो ये होता है कि चूंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं साथ साथ कंपोज हो रहे होते हैं तो कंपोजिंग मिस्टेक जो है ये बस आपने थोड़ी सी बर्दाश्त करनी है, बल्कि कर ही रहे हैं आप। साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे नज़र आता है करेक्शन कर देता हूँ, अगर कोई रह भी जाए तो उसके लिए अगेन सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। बड़ा हैवी किस्म के लेक्चर चाह रहे हैं। चैप्टर ये मज़े का है, 6 है, जो नॉर्मली आपको पता है कि छेड़ते नहीं है, ठीक है। चलिए ये ज़रा एक करेक्शन थी। अच्छा, 2 पॉइंट थे आपके पास, P1 और पी एंड क्यू का नाम दे दिया। मसला एक और आ गया है, इसको भी हमने पी का नाम दिया है, इसको भी पी का, तो इसको तो और कोई नाम अभी दे देते हैं। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी क्या होगा? ये x/x1 y/y1 = 21। एक्चुअली अगर आपको याद हो 257 पे हमने इक्वेशन एक टेंजेंट पढ़ी थी, वो x/x1 y/y1 वो थी आपके पास जनरल फॉर्म, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपके पास रेडियस जो है, सेंटर जो है 0,0, तब हम ये इक्वेशन निकालते हैं। इसकी डिडक्शन अगर चाहें तो वो भी हम अलहदा से निकालते हैं। फिलहाल आप ये सिंपल याद रख लें, x y1 y/y1 = 21 जो कि रेडियस है। तो अगर वो पॉइंट P कह रहा है, इसमें से गुजर रहा है तो ये आएगा। अगर पॉइंट Q गुजर रहा है तो x1 y1 की जगह क्या आ जाएगा? सिंपल x2 और y2 आ रहा है। अब उसने ये कहा है सिंस इक्वेशन 1 and 2 पासिस थ्रू दिस पॉइंट, चूंकि ये इस पॉइंट से गुजर रही है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो आपने सिर्फ क्या करना है, x की जगह पे -3 रख देना है और y की जगह पे 4 रख देना है, तो ये आ जाएगा। और जब दूसरे पे करेंगे इक्वेशन 2 पे तो ये आ रहा। आप देखो ये सिर्फ मिलता जुलती नहीं, दोनों इक्वेशन आ गई। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं इक्वेशन 3 and 4 पे, शोज दैट द पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन दिस लाइन। और लाइन आपके पास कौन सी है? -3x + 4y = 21 Which is the required equation of chord of contact। तो वो फिर कह रहा है कि जी आपकी required equation है जो chord of contact की थी, ठीक है। ये पॉइंट को मैं नाम A का दे रहा हूँ ताकि वो सिमिलरिटी ना हो। तो सिंपल था जी क्वेश्चन, आपने सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए वो डायरेक्ट याद करनी है। x x1 y y1 = r² और r² इसमें आ रहा है 21। अगेन किसी को इसका प्रूफ चाहिए हो, जिस तरह आपके पेज नंबर 256 और 57 पे प्रूफ किया है, इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ज़रूर बताइएगा, आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी वैसे उसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला याद कीजिएगा एंड दैट्स इट। ले जी, ये थी आपकी 263 पे एग्जाम्पल नंबर 8। ओके है जी, तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी 6.2। मैं फिर उन दोस्तों से, उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो स्पेशली यूट्यूब पे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, बेटा एक लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कंपोजिंग है, फिर इसमें आप देखें ना, ये साथ भी मिस्टेक, ये जितनी दफ़ा भी हम करते हैं इसको करेक्शन साथ हमें करता रहता हूँ। सो थोड़ा सा सब्र रखें, मैं इंशाल्लाह आपके फाइनल ईयर से पहले पूरी कोशिश है कि आपके सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज करवा दूँ, बट उसके लिए टाइम चाहिए। तो रिक्वेस्ट आती जाती हैं, मुझे उसका नहीं, आप ज़रूर रिक्वेस्ट करें। मेरा जो फर्स्ट पॉसिबल होता है तो मैं वो, जिसकी रिक्वेस्ट होती है वो पूरी करता जाता हूँ। ये यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए बात कह रहा हूँ, बाकी जो अपने हैं इनको तो साथ साथ मैं लेके चल भी रहा हूँ। चले जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।